हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हो अपने मोबाइल में गाने सुनने के शौकीन तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मोबाइल फ़ोन की एक ऐसी अमेजिंग और एक कमाल की ट्रिक के बारे में, जिससे कि आप अपने मोबाइल में ही डीजे की तरह गाने को बजा सकते हो, वो भी फुल बेस के साथ। हाँ जी, आपने सही सुना, इसे देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि ये ट्रिक के बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलेगा। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो टेक्निकल मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद आपको एक नीचे कमेंट कर देना है, जो कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको लिख देना है यूनिक मोबाइल ट्रिक करके, आपको यहाँ पे इतना कमेंट कर देना है। जैसे कि आप जानते हो, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी गाने को बजाते हो तो वहाँ पे आपको डीजे के जैसा इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, जो कि मैं आपको बता दूँ अगर आप अपने मोबाइल के म्यूज़िक प्लेयर में कोई भी गाने को प्ले करते हो तो नॉर्मल सा प्ले होता है। मगर इस वीडियो में आपको एक ऐसी अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने मोबाइल में ही डीजे की तरह फुल बेस के साथ गाने को प्ले कर सकते हो। हाँ जी, आपने सही सुना, आई एम श्योर अगर आप अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन से गाने को जाओगे तो आपको एक डीजे इफेक्ट मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद जो कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपके मोबाइल में जो भी गाने होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं ये वाला गाना सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक ऐसा इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको गाने को प्ले होने देना है और आपको जो अपना वॉल्यूम होता है फुल कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑफ करके रखा है, जैसे कि मुझे कॉपीराइट यहाँ पे ना आ सके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर की ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ये ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको एक अलग ही इफेक्ट मिल जाता है, जैसे कि सपोज आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जो कि यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल, क्लासिकल, डांस, फ्लॉक, हैवी मेटल, हिप हॉप, जैक्स, पॉप, रॉक करके आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। सपोज यहाँ पे सिलेक्ट करते हो आप हिप हॉप, तो जैसे कि यह हिप हॉप के ट्यून में यहाँ पे ये गाना बजेगा। और आई एम श्योर यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एडजस्ट करने भी मिल जाते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे देख सकते हो आप बड़ा आसानी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो और अपने मोबाइल के जो भी गाने को आप बजाओगे उसे आप फुल बेस में यहाँ पे बजा सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप बड़े आसानी से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ तक कि अगर आप चाहते हो यहाँ पे बेस को बढ़ाना तो यहाँ पे देख सकते हो बेस को आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे बेस को भी बढ़ा सकते हो। वैसे अगर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को बढ़ाना है, कम करना है, तो यहाँ पे ये भी आप बड़ा आसानी से कर सकते हो। तो ये ट्रिक की मदद से आप अपने मोबाइल के गाने को कोई भी कस्टमाइज कर सकते हो बड़े आसानी से। और यहाँ तक कि अगर आप चाहते हो यही जो कि आपने यहाँ पे ट्यून सिलेक्ट किए वही ट्यून सभी गाने में बजना, तो यहाँ पे देखो प्लस वाले आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एच या फिर कुछ भी यहाँ पे लेटर लिख देना है, सेव पे क्लिक कीजिए, तो आपकी ये ट्यून यहाँ पे सेव हो जाएगी। और यहाँ पे देख सको जैसे ही मैं यहाँ पे एच पे क्लिक करूँगा, जो भी मैंने यहाँ पे ट्यून सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बड़ा आसानी से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि थीम करके, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ, तब वो जो म्यूजिक प्लेयर होगा वो यहाँ पे ब्लू में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो आज फिर हम बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलेगा। रोजाना मैं चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियो, सर से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।